फ्रांसीसी क्रांति के दौर में आजादी की तलाश का परिचायक बनी फ्रिजियन कैप को पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर बनाया गया है। चटक लाल रंग की इस कैप को लिबर्टी कैप भी कहा जाता है। त्रिकोणाकार की यह कैप फारस, बाल्कन, श्रेस, डाशिया और फ्रिजिया में पहनी जाने वाली पारंपरिक टोपी का आधुनिक संस्करण है। फ्रांस की क्रांति के दौरान यह आजादी की तलाश का परिचायक बनी और अभी भी फ्रांस की प्रतीक मारियाने की प्रतिमा ने यह टोपी पहनी हुई है। ओलंपिक कैप त्रिकोण आकार की है और इसकी नीली आंखें हैं। इसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और तीन रंगों की रिबन भी पहनी हुई है। पैरालंपिक कैप में इसे कृत्रिम टांग के साथ दिखाया गया है। आयोजकों ने कहा कि वह अतीत के खेलों की तरह किसी प्राणी या किसी और चीज को शुभंकर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि ऐसा कुछ चाहते थे जो उनके आदर्शों का परिचायक हो। फ्रांसीसी लोगों के लिए यह एक बहुत प्रसिद्ध वस्तु है जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह एक ऐसी वस्तु है जो पूरी दुनिया में शुभंकर का प्रतिनिधित्व करेगी। तथ्य यह है कि पैरालंपिक के शुभंकर में दिखाई देने वाली अक्षमता भी एक मजबूत संदेश देती है समावेश को बढ़ावा देने के लिए। ओलंपिक फ्रीज और पैरालंपिक फ्रीज शुभंकर फ्रीजिंग कैप पर आधारित हैं, जो पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। वे फ्रांसीसी लोगों के लिए एक सामान्य संदर्भ हैं, जिसमें कला की दुनिया स्वतंत्रता के रूप में और फ्रांसीसी संस्थानों में रिपब्लिक के प्रतीक के रूप में शामिल है। फ्रीजिंग कैप को हर टाउन हॉल में प्रतिष्ठित फिगर मैरियन के सिर के ऊपर देखा जाता है और यहां तक कि फ्रांस में रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे सिक्कों और टिकटों पर भी इसे देखा जा सकता है। वे रोमन काल में आजाद गुलामों द्वारा पहनी जाने वाली स्वतंत्रता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक भी है और उत्तर व दक्षिण अमेरिका में अलग अलग प्रतीकों पर दिखाई देती है। फ्रीजिंग कैप के रूप में भी इसे जाना जाता है। फ्रीजिंग कैप फ्रांसीसी रिपब्लिक के प्रतीकों में से एक बन गई है। अब फ्रीज ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के लिए वापस आ गया है। दुनिया को यह दिखाने के लिए वो तैयार है कि वे साहसी, दृढ़ संकल्प और सफल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ओलंपिक फ्रीज और पैरालंपिक फ्रीज दोनों खेल में एक क्रांति शुरू करने के मिशन पर हैं। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि खेल सब कुछ बदल सकता है और यह समाज में एक प्रमुख स्थान का हकदार है। वे हमारे जीवन, स्वास्थ्य, दूसरों के साथ संबंधों और प्रकृति सहित खेल के माध्यम से बदलाव को बढ़ावा देने के लिए हर दिन काम करेंगे। तो तैयार हो जाए, यह तो बस शुरुआत है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।